ओम नमः शिवाय। दुर्लभ सामग्री को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर हमारे ग्रुप में आप शामिल होना चाहते हैं तो ग्रुप के लिंक को आप यहां पर ढूंढ सकते हैं और आप उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। ओम नमः शिवाय। इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, मैं वीडियो लेके दोबारा आपके सामने आ चुका हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं जो हमारे चैनल को कॉपी कर रहे हैं और ना केवल कॉपी बल्कि सारी की सारी वीडियो अपने चैनल पे डाल रहे हैं। देखिए, अगर आप दुर्लभ सामग्री लिखते हैं तो उसमें आपको तीन चैनल दिखेंगे। सबसे ऊपर वाला जो वेरीफाइड है वो हमारा है, इसकी पहचान है। आप इसके आगे देख सकते हैं वेरीफाइड का साइन है। जो राइट का टिक मार्क है वो हमारा असली चैनल है दुर्लभ सामग्री का। चलिए अब ज़रा जो फेक चैनल है इनको ओपन करते हैं। देखिए, ये फेक चैनल है और ये बनाया है इन्होंने, और ना केवल फेक चैनल बनाया बल्कि सारी वीडियो अपलोड कर ली और दूसरे लोगों की भी वीडियो अपलोड करी है। जो भी इन्हें अच्छा लगता है वो वीडियो अपलोड कर लेते हैं और अपने चैनल में डाल के दूसरों को दिखाते हैं। और मैं नहीं जानता ये इनसे क्या करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फेक चैनल है और आप इससे बचिए। झूठे लोगों से सावधान रहें, बचिए उनसे, जितना हो सके अपने आप को बचाइए। और मैं आपको दूसरा चैनल भी दिखाता हूँ। इन्होंने तो थंबनेल तक कॉपी कर लिया है और देखिए इन्होंने भी वीडियो कॉपी की है। तो आपको फेक चैनल जो भी हैं दुर्लभ सामग्री के उनसे बचना है। आपको रियल दुर्लभ सामग्री का जो असली चैनल है जो कि वेरीफाइड है, आपको सिर्फ वही चैनल देखना है, क्योंकि उसी में आपको मिलेगी सही जानकारी और सही ज्ञान जो कि आप प्रैक्टिकल में भी कर सकते हैं। बाकी जो फेक चैनल हैं उनसे आप बचिए। और असली चैनल की पहचान कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूँ। चैनल के आगे आपको वेरीफाइड का साइन यानी कि टिक मार्क दिखेगा। देखिए, ये है असली चैनल। तो आप सबसे पहले वीडियो देखने से पहले चेक करें कि आप असली चैनल पे वीडियो देख रहे हैं या फेक पे। ये तो था जो कि फेक चैनल है उसके बारे में। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ एक अत्यंत प्रभावशाली ऐसा वशीकरण टोटका जो कि हमेशा ही काम करता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि आप खुद ही पहले वीडियो बनाते हो जिसमें बताते हो कि कैसे वशीकरण किया जाता है, कैसे किसी को अपने वश में किया जाता है या उसके उपाय टोटके बताते हैं, और फिर खुद ही ऐसी वीडियो बनाते हो जिसमें कहते हो कि वशीकरण कभी नहीं करना चाहिए। मतलब लोग मुझे कहते हैं कि आप क्यों बेवकूफ़ बनाते हो लोगों को, या आप क्यों ये भद्दा मजाक जनता के साथ करते हो। तो मैं सबसे पहले तो उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि ये कोई मजाक या बेवकूफ़ी की बात नहीं है। देखिए, मेरा काम है, गुरु का काम होता है रास्ता दिखाना। मेरे पास हज़ार तरह के लोग एक दिन में मुझसे बात करते हैं और हर तरह के लोगों की बातें सुनकर ही मैं वीडियो बनाता हूँ। ऐसे वीडियो नहीं बनाता जैसे कि हर दिन लोग वीडियो बनाते रहते हैं, उन्हें सिर्फ अपने पैसे से मतलब होता है। मैं चाहता हूँ कि आपको असली ज्ञान मिले, उसके बाद आप सोच समझ के निर्णय लें। करना क्या है वो आपके हाथ में है। गुरु केवल रास्ता दिखा सकता है, चलना आपको खुद ही पड़ेगा। मैंने आपको दोनों तरफ से ही ज्ञान दिया है कि आप अगर वशीकरण करना चाहते हैं तो भी आपके पास रास्ता है, और अगर नहीं करना चाहते या हम वशीकरण करें या ना करें तो इसके ऊपर भी मैंने आपको ज्ञान दिया है। अब ये आपकी समझ के ऊपर है, आपकी सोच के ऊपर, आपकी चेतना पे है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। और बहुत से लोग हैं जो मेरे कमेंट में मतलब अपनी प्रॉब्लम्स लिखते हैं, मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाता, तो उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि समय की बहुत कमी होती है। आप सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं, मतलब मैसेज कर सकते हैं, और थोड़ा वेट करिए। कम से कम 24 घंटे का तो इंतज़ार करना पड़ेगा। और जेन्युइन चीज़ें ही लिखिए, मतलब जो असली चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ आपको रियल में मदद चाहिए, जो वास्तविकता है वो लिखिए। बहुत से लोग तो ऐसी बातें करते हैं कि मैं अगर आपको उनके मैसेजेस दिखाऊँगा तो आपकी हंसी नहीं रुकेगी। किसी को प्रीति जिंटा पसंद है तो किसी को सलमान खान, किसी को शाहरुख खान, तो किसी को वरुण धवन। तो देखिए, ये सब तो नामुमकिन जैसी बातें होती हैं, तो ऐसी चीज़ें मत करिए। प्रैक्टिकल बनिए, असली चीज़ें करिए जो कि संभवतः हो सकती हैं। आज की वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद यही है कि मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊं जो कि 100% 100% जिसको कहते हैं वो काम करता है। वो आपके भविष्य में हर तरह से मदद करेगा। और ये चीज़ें बहुत से लोगों ने आज़माई भी हैं लेकिन वो बताते नहीं हैं। हर कोई मेरे तरह बेवकूफ़ नहीं है जो हर राज की बात आपको बता दे, सिर्फ मैं ही बताता हूँ। तो चलिए मैं आपको और बताता हूँ कुछ, जिससे कि आपको
अपने फ्यूचर में या अपने जो प्रेम संबंध है या किसी भी चीज़ में उसको आजमाएं और उसके बाद असर देखें। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एक कागज़ लेना है, कागज़ का टुकड़ा होगा, उसके ऊपर आपको वो लिख देना है जो आप चाहते हैं। मान लीजिए आप फलां व्यक्ति को प्यार करते हैं और उसका नाम है राहुल। अब आपने लिखा कि मैं राहुल को प्यार करती हूँ और वो मुझे मिल जाए। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, इसमें ना तो कोई मुहूर्त है, ना दिन है, ना समय है, ना ही कोई दिशा है, ना कोई आसन है। सिर्फ आपको वो लिखना है जो आप चाहते हैं, जैसे कि मुझे राहुल मिल जाए या मुझे एंजल या जो भी आपकी प्रेमिका का नाम है वो मिल जाए। अगर आप स्टडी में चाहते हैं कि मैं टॉप करूं तो वो भी आप लिख सकते हैं। मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं कि स्टडी से रिलेटेड वीडियो बनाइए, तो मैं ये स्टडी की ही वीडियो मान लीजिए, या फिर आप इसे ऑल ओवर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, वो सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े पे लिख लीजिए अच्छी साफ शब्दों में। और ये भी एक बिल्कुल ऐसा है एक्सपेरिमेंट जिसको करेंगे तो आप शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे कि ये कैसे हो गया। याद रखिए, इस दुनिया में हर चीज़ काम करती है, चाहे वो कम स्तर पे काम करे या ज़्यादा स्तर पे। आपके दिमाग में उठा हुआ एक विचार भी, वो भी आपकी ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट डालता है, असर डालता है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस ज्ञान को समझ पाते हैं, इस नॉलेज को समझ पाते हैं। उनसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो मुझे सोचते हैं कि मैं बेवकूफ़ बनाता हूँ लोगों को या क्या है, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग ऐसे हैं जो चुपचाप मेरे द्वारा ज्ञान को हमेशा हासिल करते रहते हैं और वो मेरी वीडियोस का इंतज़ार करते रहते हैं, तो मैं उन्हीं के लिए वीडियोस बनाता हूँ। आपको करना ये है कि एक कागज़ के टुकड़े पे नाम लिखना है, मतलब साफ साफ जो दिखे, बड़े बड़े अक्षरों में मार्कर से लिख सकते हैं। अब ऐसे बेतुका सवाल मत करिए कि कौन सा मार्कर, कौन से रंग का हो, ये चलेगा वो चलेगा, किसी भी चीज़ से लिख सकते हैं, लेकिन साफ साफ दिखना चाहिए। आपको नाम लिखना है, या फिर आप कुछ भी जॉब चाहते हैं, या कुछ भी घर लेना है, कार लेनी, कुछ भी लेना है वो लिख लीजिए। अब आप ये ना लिखे कि मुझे कल हेलीकॉप्टर चाहिए या मुझे एरोप्लेन या कुछ भी, ऐसा कुछ जो आप चाहते हैं भविष्य में और जिसको लगता है कि आप मेहनत करेंगे, क्योंकि इसके साथ साथ आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि ये लिख लिया और आप चद्दर तान के सो गए और आपको मिल जाएगा, नहीं, इसके साथ आपको मेहनत करनी होगी। और ये मेहनत करेंगे और ये लिखा होगा, ये दोनों चीज़ें ही मिलकर काम करेंगी। आपने सिर्फ एक कागज़ पे लिखना है, उसके बाद उस कागज़ को फोल्ड कर देना है, 3 बार फोल्ड करना है। कैसे भी 3 बार फोल्ड कर सकते हैं, बीच में से फोल्ड कर सकते हैं, साइड में से फोल्ड कर सकते हैं, या फिर आप आखिरी में फोल्ड कर सकते हैं, कैसे भी फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड करने के बाद यानी कि मोड़ने के बाद उसको एक बर्तन में रख देना है जो कि चांदी का होना चाहिए। बर्तन चांदी का होना चाहिए। अब बहुत से लोग बोलेंगे हमारे पास तो चांदी का बर्तन है नहीं। अगर आपके पास चांदी का बर्तन नहीं है तो फिर आपके पास स्टील का बर्तन तो होगा ही। याद रखिए, इसमें प्लास्टिक की बोतल या डब्बी नहीं चलेगी। स्टील के बर्तन में आपको वो पर्ची जो है जिस पे अपने विश लिखने हैं 3 बार मोड़ के, वो डाल दीजिए और उसको बंद कर दीजिए, ढक्कन लगा दीजिए ऊपर से। और एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि उसमें हवा ना जाने पाए, एयर टाइट बंद होना चाहिए वो। एयर टाइट बंद करके यानी कि इतना बंद हो जाए वो इस तरह से कि उसमें बिल्कुल भी हवा ना जा पाए और ना उससे बाहर निकले। बस आपको चुपचाप से वो कहीं ऐसे जगह रख देनी है जहाँ पे उसे कोई छू ना सके या देख ना सके। आपको सिर्फ इतना करना है। आप सोचेंगे ये तो बहुत ही सरल है। हाँ, ये बहुत ही सरल है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सिर्फ इतना करना है और आप यकीन नहीं मान सकते कि ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, इसमें इतनी शक्ति है। सिर्फ आपको नहा धो के, बिल्कुल फ्रेश हो के, निवृत्त हो के, ब्रह्म मुहूर्त में अगर ये करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ अच्छा रहेगा, बाकी किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, तो अगर मेरी माने तो आप इसे ब्रह्म मुहूर्त में करें और कहीं पर भी इसको ऐसी जगह रख दें जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको पता हो ये चीज़ कहाँ पर है। किसी किसी मामले में ये 1 दिन में असर करती है, किसी किसी मामले में ये 6 महीने भी असर करती है। मैंने आपको बताया कि आप जो भी प्रयोग करते हैं उसका संबंध आपके जो आपकी किस्मत है या जो आपके कर्म है उससे रिलेटेड ही आपको मिलेगा। इसीलिए हर किसी का भाग्य एक जैसा नहीं होता और स्वतः हर किसी को परिणाम एक जैसे नहीं मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, इसीलिए आप एक बार ट्राई कीजिए। ट्राई करने में, प्रयास करने में कोई भी दिक्कत नहीं है और ये इतना कारगर है कि ये बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल चुका है। ज़िंदगी बदलने का मतलब बहुत बहुत ज़्यादा उनके जीवन में बदलाव आया है। और आप ये ज़रूर प्रयोग करिए और आपको ज़रूर रिज़ल्ट आएगा।
और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए कि आप अगली वीडियो कौन सी चाहते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही सरल उपाय मैंने आपको बताया था जो कि वाकई में 100% काम करता है और बहुत से लोगों के लिए भी किया है, आपके लिए भी करेगा। चलिए फिर, ये तो उपाय था, मैं आपको कुछ ऑडियो सुनाता हूँ एक ऐसी साध्वी से जिसके फिर से काम बन गए हमारे मंत्रों के द्वारा, जो कि हमेशा बनते रहते हैं, तो आप भी सुनिए उनकी आवाज़। मैं खुशबूराज बोल रही हूँ इंदौर से। क्या नाम है आपका? खुशबूराज। हाँ जी खुशबू बोलिए। गुरु जी, मैंने कल रात को आपके यूट्यूब चैनल है ना, उसमें कुछ वीडियो देखे थे। अच्छा। वशीकरण मंत्र के। मेरी शादी को 8 साल हो गया है जी, और 8 साल से मतलब तो मेरे हस्बैंड से ऐसे छोटा मोटा तो लड़ाई होता ही था जी। फिर हमारा ना लड़ाई कोर्ट तक पहुंच गया, डिवोर्स तक भी बात आ गई थी जी। फिर मैंने मेरे नाइट में आपके यूट्यूब चैनल को देखा, उसमें से कुछ मंत्र थे, एक तो ओम है क्लीम वाला जी, और जी। एक वो था ना ओम क्लीम, फिर व्यक्ति का नाम, फिर वश्यम गुरु गुरु स्वाहा, ये दो दो मंत्र मैंने सेलेक्ट किया। और उसमें जो आपने विधि बताया था, नीप वगैरह काटना था, फिर उसको ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र को जाप जी, करना जी, था जी, जी। फोटो लेकर, वो भी मैंने आज मॉर्निंग में 6 बजे किया छत में जाके। अच्छा। और नाइट में भी कर लिया था अकेले ओके। में फिर मॉर्निंग में छत में भी जाके किया। और मैं दिन भर मेरे पति का कॉल करी थी, क्योंकि उस वीडियो में आपने बोला था कि अगर उसके पास आपका मोबाइल नंबर है तो वो फोन खुद करेगा आपको जी। फिर मैं उसका दिन भर इंतजार करती रही कि मेरे हस्बैंड मुझे फोन करेगा। और है ना, उसकी फोटोस मंत्र को मैंने अपने पास ही रखा हुआ था, पूरा दिन मैं वेट करती रही। फिर शाम को भी देख लिया, तब तक कॉल नहीं आया। फिर मैं फिर से वो आपकी यूट्यूब में वीडियो देख रही थी सारी, और कुछ मंत्र देखू, और इतनी देर में मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और उन्होंने बोला कि ना मेरी नाई टूटी है, तुम अभी घर आ जाओ, मुझे खाना बना के खिलाओ, और मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है। अच्छा। तो मैं इतनी खुश हो गई, मैं दिल से बता रही हूँ कि मैं आपको इतना सारा थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि पूछो मत। अच्छा। और फिर मैं घर आ गई, घर आने के बाद उन्हें ड्यूटी पहुंचा दिया। और उसी टाइम आपके चैनल को सब्सक्राइब करके ही आई थी, मतलब महू में मेरी मम्मी का घर है और यहाँ राव में हमारा घर है, मेरा घर है मतलब हस्बैंड का। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बिल्कुल दिल से इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ और कितना अच्छा हो गया है कि पूछो मत। अच्छा, लोगों को क्या कहना चाहते हैं आप? और ये आपकी जो लोगों ने बेवकूफी जो कमेंट्स किए हैं कि ये फालतू है, फेक है, उन सबको तो मैं बहुत बुरा बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। गुरु जी के मंत्र को मन से करेंगे ना तो उतना ही फायदा होगा। जी जी जी, वही मैं समझाना चाहता हूँ। आपके जो मंत्र है ना, अगर मन से, आपने उस वीडियो में भी कहा है कि अगर मन से करोगे आप बिल्कुल ध्यान से, कहीं टूटना नहीं चाहिए मंत्र भी, तो सारा काम 101% मेरा हुआ है आज। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने इसे आजमाया, मैंने कहा दिन भर मैंने इसको आजमाया कि कॉल उनका ही आना चाहिए। 4-5 दिन, 24 तारीख से हमारी लड़ाई हुई है जी। 24 तारीख से उन्होंने बोला आपकी मम्मी के घर रहो, जितना भी आपका दहेज का सामान है मैं सब पहुंचा दूंगा, अब आप वहीं रहना, मैं यहाँ रहूंगा, और मेरे को डिवोर्स चाहिए, और मेरी 2 बेटियां हैं ऑलरेडी। अच्छा अच्छा 5 साल की है, 1 3 साल की है, इनका भविष्य लेकर मैं पति से कैसे अलग हो सकती थी गुरु जी। जी सही बात है, इसलिए मुझे मुझे तो मेरे पति के साथ ही रहना है लाइफ टाइम। जी जी। और वो पुलिस विभाग में है, 2 स्टार है, सब इंस्पेक्टर है, तो उन्हें तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। जी जी। तो बस ये चाहती हूँ कि मेरा घर संसार हमेशा बसा रहे, कभी मेरा पति मुझे अपने आप से अलग ना करे। बस बस आप आपने मंत्र देख लिए हैं, उनको जाप करते रहिए, और आपके लिए ये कारगर साबित हुए हैं। आप बस मंत्र जाप करते रहिए, आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। देखा आपने किस तरह से लोगों के काम बन जाते हैं सही तरह से प्रयोग करने से। आप भी इसको आजमाइए और आपके भी काम बनेंगे, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है कि आप रह जाएंगे पीछे, आपके काम नहीं बनेंगे। अगर अब तक नहीं बने हैं तो एक बार दोबारा से प्रयोग कीजिए और ज़रूर आपके काम बनेंगे, क्योंकि अगर इसमें कोई भी त्रुटि ना हो मंत्रों में तो 100% हर किसी का काम बनता है।
इसी प्रकार से दुर्लभ सामग्री के वीडियोस को देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए, और हमें ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो आप कौन से विषय पर चाहते हैं, और जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। ओम नमः शिवाय।